शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर सकते हैं? मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही। आइए ना। जाते हो? नहीं, कभी कभी जब जरूरत होती है तब। मेरा भी कुछ ऐसे ही। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। ओहो, सेम ओल्ड ट्रिक्स। मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा कहने से ना सिर्फ भोली भाली लड़कियां ही फंसती है। तो आप भोली भाली नहीं है? I am dangerous. डेंजरस का तो पता नहीं लेकिन बेहद खूबसूरत जरूर है। अरे ये क्या कर रही है आप? लूट रही है तुझे। चल जल्दी से सारा सामान निकाल वरना तेरी गर्दन उड़ा दूँ। आपका नाम कस्तूरी है ना? तुझे मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि 6 महीने पहले जिस दुकान में आपने चोरी करी थी वहाँ मैं काम करता था। तो क्या तुझे रिश्तेदार बना लूँ? हाँ चल जल्दी अपना घड़ी पर्स मोबाइल सब कुछ निकाल के दे। हाँ निकालता हूँ। चाकू फेंक तो तेरे इस खूबसूरत चेहरे पे 2 नए होल बना दूंगा। फेंक। स्मार्ट गर्ल। अब हम हमारी पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? मैं एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ जिसके अंदर मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और शातिर लड़की की जरूरत है। उसमें मेरा क्या फायदा होगा? इतना पैसा मिलेगा कि तेरी आने वाली 10 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। इतना पैसा मिलेगा? तो क्या सोचा? मन तो कह रहा है हाँ कह दूं। पर काम होने के बाद तुमने मुझे मार दिया तो? इससे? तुम डरी गई थी, तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तो अपनी पार्टनरशिप पक्की? 100% पक्की। चलो फिर। तुम यहाँ रहते हो? हाँ मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। मालिक कौन है? सबर करो तब पता चल जाएगा। वाह! फिलहाल ये सामान उतारने में मेरी मदद करो। वैसे ये सारा सामान भी चोरी का है क्या? बोलो ना। हाँ
वैसे ही सामान तुमने कहाँ से चुराया? इसी बंगले से। इसी घर से? तो फिर पागल वापस क्यों रख रहे हो? इस सामान का मुझे बस 2-3 लाख रुपए मिलेगा, और मुझे पता चला है कि इस बंगले के मालिक आशुतोष के पास करोड़ों के हीरे तिजोरी में बंद पड़े हैं। करोड़ों के हीरे? तो फिर हीरे पाने के लिए हमें तिजोरी तोड़नी पड़ेगी ना? वो तिजोरी ऐसे नहीं टूटेगी, वो कोशिश में करके देख चुका हूँ, उसे प्यार से ही खुलवाना पड़ेगा। वो कैसे? वो तिजोरी एक कोड से खुलती है, उसके लिए तुम्हें आशुतोष को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। कर पाओगी? पैसों के लिए कस्तूरी कुछ भी कर सकती है, डोंट वरी, कोर्ट तो मिल जाएगा। आने दो उस आशुतोष को। अरे गुड मॉर्निंग सर, आप आ गए? हाँ। ये बैग मेरे कमरे में रख दो और एक ग्लास गुनगुना पानी पिलाओ। जी सर। कस्तूरी, सर के लिए गर्म पानी लेके आओ। सॉरी सर, पानी ज्यादा गर्म है क्या? बहुत हॉट है। अरे क्या हुआ सर को? वो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म था इसीलिए। तुमने पानी गिराया सर के ऊपर? नहीं, गलती नहीं है, वो मेरा ही हाथ लगा था गर्म पानी को। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि पानी कम गर्म हो। चंचल, इसे डांटो मत, इसकी गलती नहीं है इसमें। वैसे ये है कौन? सर ये मेरी चचेरी बहन है, इसकी ना अभी शादी तय हुई है तो शहर आई है कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, तो मैंने सोचा बंगलों में ही रह लेगी और थोड़ा मेरे काम में भी हाथ बटा लेगी। सही क्या? कस्तूरी। अरे नहीं कस्तूरी, काम करो, ये रखो। अरे रख लो कस्तूरी, सर इतने प्यार से दे रहे हैं। धन्यवाद। एक काम करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तो मेरा नाश्ता वहां पे भिजवा दो। जी। मेरी रानी,
तुमने तो आशुतोष को पहली मुलाकात में अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। मैं इन मर्दों की फितरत ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि हम उससे जल्दी तिजोरी का कूड़ लेके करोड़पति बन जाएंगे। चलो मेरी नाश्ता बनाने में मदद करो और उसके रूम में नाश्ता तुम ही लेके जाना, थोड़ा खेल लेते हैं उसके साथ। ठीक है। अंदर आ जाओ। सर, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। इस टेबल पर रख दो। सर, वकील साहब का भी फोन आया था। वो बोल रहे थे आपके और आपकी पत्नी के बीच जो डिवोर्स केस है उसके अंदर शोभा जी ने एलिमनी के तौर पर आपसे आपकी आधी प्रॉपर्टी की मांग की है और उसको काउंटर करने के लिए आपने अभी तक जितने पैसे शोभा जी को दिए हैं उनकी उन्हें डिटेल्स चाहिए। वो है मेरे पास। ये लो, वकील साहब को देकर बोलना कि अब मैं उस औरत को एक रुपए नहीं देना चाहता। मैं ऑलरेडी उस बुरी औरत पे ना बहुत पैसे लुटा चुका हूं और अब मैं किसी अच्छी औरत पे लुट जाना चाहता हूं। जी सर, मैं अभी से कुरियर कर देता हूं। नहीं, ये बहुत ही जरूरी पेपर्स हैं। एक काम करो, तुम खुद वकील साहब के ऑफिस में देकर आओ इसे। ठीक है सर, फिर मैं अभी निकलता हूँ। मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। कस्तूरी जी। सर, गर्मी हो रही है, गला सूख रहा है, जरा जूस लेके आना। अभी लाती हूँ। सर, आपने जूस की बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया। प्यास जो बुझानी है। क्या? ओह सॉरी, मुझे ग्लास ही लेना था। आप जूस पीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाती हूँ। ठीक है? अरे रे रे, जूस गिर गया। अरे आपका तो पूरा टी शर्ट गीला हो गया। एक काम कीजिए, इसे निकाल दीजिए, मैं इसे धो दूंगी। निकाल दीजिए। तुम कह रही हो तो निकाल देता हूं। ये फंस गया है, मेरी मदद करोगी? बहुत खूबसूरत हूँ।
तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम कमाल की हो। कमाल की तो आप भी है सर। सर नहीं, आशु बोलो। मेरी बीवी मुझे आशु बुलाया करती थी। तो फिर आप अपनी बीवी को छोड़ क्यों रहे? क्योंकि वो लालची है, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार है। आप कितने सच्चे और कितने मासूम हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया। तो शादी कर लो मुझसे। मैं जानता हूँ हम अभी मिले हैं, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी। पर मेरी शादी तो तय हो गई है। जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है, क्या वो तुम्हें ऐसे ऐशो आराम दे सकता है? तुम्हें दुनिया की सभी चीजें दे सकता हूँ। मुझे पैसों से लगाव नहीं है, मेरे लिए इंसान का प्यार ही अहम है। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद आई हो। एक बार मेरा तलाक हो जाने दो और मेरी बीवी की नजर मेरी संपत्ति से हट जाने दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, मैं भी चंचल भैया से बात करूंगी और उन्हें शादी के लिए मना कर दूंगी। पर आपको इस केस से छुटकारा कब तक मिलेगा? वो तो मैं भी चाहता हूँ जल्दी। पैसे होते हुए भी गरीबों वाली फीलिंग आती। क्यों? मेरी चालाक बीवी की वजह से। तिजोरी में इतने पैसे हैं कि हम आगे की पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। आपके घर में तिजोरी भी है? हाँ, तुमने देखा नहीं है? नहीं। देखोगी? हाँ। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। ये तो मैंने सोचा था उससे बहुत छोटी तिजोरी है, इसमें इतने सारे पैसे कैसे बैठेंगे? हीरे बनकर। हीरे बनकर? मैंने तो कभी असली हीरे देखे नहीं। तुम्हारी ये इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी जब मैं केस जीत जाऊंगा और अपनी बीवी से इसका कोड ले लूंगा। मतलब कोड ले लूंगा? आपके पास इसका कोड नहीं है क्या? नहीं, जब मैंने अपनी बीवी से बिना पूछे वो 50 एकड़ की जमीन बेच दी थी, तो उसने बहुत ही चलाकी से इसका कोड बदल दिया था और फिर कोर्ट से ऑर्डर भी निकलवाए कि जब तक हमारे केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये तिजोरी खुल नहीं सकती। तो अब ये तिजोरी सिर्फ आपकी बीवी ही खोल सकती है? हाँ। अरे बाप रे, मुझे याद आया अभी कि मैं गैस पर दाल चढ़ा कर आई हूँ, तो जल जाएगी। मैं भी देख कर आती हूँ। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों तुम? तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। प्लान फेल हो गया है मतलब? आशुतोष को खुद उस तिजोरी का कोड नहीं पता है। क्या? हाँ, 6 महीने पहले उसकी बीवी शोभा ने वो कोड चेंज कर दिया था, जो कि अब सिर्फ वही खोल सकती है। मतलब शोभा को इस घर में लाना पड़ेगा? वो कैसे आएगी? प्लान है मेरे पास। तो बताओ। ये लो 2 लाख रुपए। 2 लाख? पर प्लान क्या है? वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर ये पैसे क्यों? ताकि जब तुम्हें प्लान के बारे में पता चले तो बात बिगड़ने की जगह उसे संभाल सको। कस्तूरे! क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ आपके पास। दूर हो जाओ, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने ऐसा क्या किया? सच सच बता, किसने तुझे भेजा मेरी बदनामी करने के लिए? बोल, नहीं तो यहीं पे काम तमाम कर दूंगा तेरा। मैं आपकी बदनामी क्यों करने का सोच भी नहीं सकती। बताइए तो सही, हुआ क्या है? अगर तूने कुछ नहीं किया तो हमारे प्रेम संबंध का वीडियो शोभा के पास कैसे पहुंचा है? हमारा प्रेम संबंध का वीडियो भला मैं शोभा जी को क्यों भेजूंगी? पैसों के लिए,
इस दौलत के लिए भेजोगी? ये कैसे आरोप लगा रही है आप मुझ पर? भला पैसों के लिए मैं ऐसी काम क्यों करूंगी? माँ की कसम खाती हूँ, मैंने शोभा जी को हमारा वीडियो नहीं भेजा। और अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं है तो उठाइए चाकू और मार दीजिए मुझे। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? ये लो 2 लाख रुपए। ये पैसे क्यों? ताकि जब तुम्हें प्लान के बारे में पता चले तो बात बिगड़ने की जगह उसे संभाल सको। हाँ चंचल, उसने क्या होगा ये कांड? वो ऐसा क्यों करेंगी? और आपको याद है उस दिन आपने तो उन्हें वकील साहब के पास भेजा था? मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चंचल 11:15 पे घर के बाहर गया था, 4 बजे वापस आया। अगर ये चंचल ने नहीं किया तो किसने किया होगा? लीजिए पानी पीजिए। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे तो लगता है आपकी बीवी ने ही आपके पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। हाँ सही कह रही है, वो कर सकती है ऐसा। लेकिन इस वीडियो की वजह से मैं कोर्ट में गलत साबित हो गया और कोर्ट ने मेरी आधी जायदाद शोभा को देने का फैसला कर दिया। सब ठीक हो जाएगा। हाँ ढूंढने के लिए कितने कंधे बदलोगे मिस्टर आशुतोष? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, लेकिन तुम नहीं बदले। बिल्कुल वैसे के वैसे हो, व्यभिचारी और धोखेबाज इंसान। चुप! ये सब बताने के लिए अब तू मेरी बीवी नहीं रही। हाँ अब तो तुम्हारी बीवी कोई और है ना। मैं वैसे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, मैं बस तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं यहाँ अपना सामान लेने और अपने हिस्से के पैसे लेने आई हूँ। मैं तुझे अपने पैसे लेके जाने नहीं दूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। बाप मैं जाती है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम सबको जेल में सड़ाऊंगी। अरे तू क्या मुझे जेल में सड़ाएगी, मैं तुझे मार डालूंगा। सर सर ऐसा मत कीजिए, वो आपको जेल भिजवा देंगे। अरे हटाओ यार, जेल भिजवाएगी। जाने दीजिए सर, इन्हें तो हम बाद में देखेंगे। चलो इशिता बेडरूम से मेरा सामान पैक करते हैं। Yes, ma'am. अलमारी में से मेरे कपड़े, परफ्यूम्स, मेकअप का सामान सब निकालो। ओके मैम। सुनहरे पल थे वो, तुम क्यों बदल गए? मैम मैम आप ठीक हैं? डिवोर्स के दिन कौन ठीक हो सकता है? इस आदमी से मैंने इतना प्यार किया
मेरी कदर नहीं करी। इस आदमी की खातिर मेरी माँ बनने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई मैं। इसको तो पैसे कमाने और अपनी रंगेलियों से फुर्सत ही नहीं थी। पर इसे मेरी परवाह नहीं है, तो मैं भी इसके बिना रह सकती हूँ। इशिता, तुम एक काम करो, स्टडी से मेरी बुक्स ले। ओके मैम। अरे सर, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे आने से पहले किसी ने शोभा को चाकू मार दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। शोभा मैम आपकी आधी जायदाद देने वाली थी, इसलिए आपने ही मारा होगा मैम को। मैं शोभा से नफरत करता था, लेकिन उसका खून नहीं कर सकता हूँ। चंचल, इसने तिजोरी खोल दी थी। तिजोरी नहीं खुली। जल्दबाजी थी अपनी बीवी को मारने की। कस्तूरी, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने शोभा को मारा है? और आपने नहीं तो किसने? थोड़ी देर पहले आप ही धमकी दे रहे थे ना इन्हें जान से मारने की। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। रुको, मेरा फोन वापस दीजिए। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने शोभा को नहीं मारा है। ऐसे कैसे? कैसे? मेरा फोन। मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस आई तो हम सबकी इंक्वायरी होगी। पर खून आपने किया है। क्या सबूत है कि खून मैंने किया है? तुम में से किसी ने देखा है मुझे खून करते हुए? नहीं ना। अगर यहाँ पुलिस आई तो हम सबकी इंक्वायरी होगी और हम सब जेल में जाएंगे। एक मिनट, हम सबको क्यों जेल में डालेगी पुलिस? हम सबने कुछ नहीं किया है। ये करने के लिए साबित करना पड़ता है। मैं तो पैसों के बलबूते निकल जाऊंगा, तुम लोगों का क्या होगा? हम आपके खिलाफ बयान देंगे। तो मैं भी बयान दूंगा कि आपने मेरी मदद की है शोभा को मारने में। अब आप लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो जेल में जाइए या शोभा की लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद कीजिए। और इसके बदले मैं आप लोगों को 50-50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? 50 लाख? 50 लाख? लेकिन आपके पास तो तिजोरी का कोड है ही नहीं, तो आप हमें पैसे कैसे देंगे? एक रास्ता है मेरे पास। शोभा ने किसी कंपनी को कॉल करके ये तिजोरी बनवाई थी, उसका नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पे। उनको कॉल करके मैं इंजीनियर बुलवा सकता हूँ, फिर ये तिजोरी खुल जाएगा। सच? हाँ, और सोच लो कौन कौन मेरी मदद करेगा। हाथ मिलाओ। इशिता, क्या सोच रही हो? जिंदगी में ऐसे मौके एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं। अपने पगार से तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलें हल नहीं कर पाओगी। हाथ मिलाओ। ये हुई ना बात। अब हम सब मिलकर शोभा की लाश को ठिकाने लगाएंगे और इस दिन के बारे में भूल जाएंगे। पहले आप तिजोरी खोलने वाली कंपनी को फोन कीजिए और उसको यहाँ आने के लिए बोलियो, उसके बाद। We'll be right back.
लॉक खुल गया। इसमें कंपनी का नंबर सेव्ड है, बस किसी को शोभा बनकर बात करनी होगी। मैं करती हूँ। हेलो हेलो, रोबस्ट सेफ्स एंड लॉकर्स। हेलो, मैं मिसेस शोभा बात कर रही हूँ। जी मैम, आपका नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है, बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। मैंने आपकी कंपनी से एक तिजोरी बनवाई थी, उसका कोड मैं भूल चुकी हूँ, मुझे उस तिजोरी को रिसेट करना है। ओके मैम। मैम मैं देख पा रहा हूँ आपके नाम के साथ आपके पति मिस्टर आशुतोष का भी नाम है, मुझे उनसे भी परमिशन लेनी होगी। हाँ मैं आशुतोष बोल रहा हूँ, मैं अपनी तिजोरी का कोड रिसेट कराना चाहता हूँ। ग्रेट सर। सर इसके लिए आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी पे एक मेल भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं एक मिनट में करता हूँ। जी सर, मुझे आपका मेल रिसीव हो गया और आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर दी गई है सर, आज ही आपके यहाँ इंजीनियर पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो अब जल्दी शोभा की लाश को ठिकाने लगाने में मदद करते हैं। इशिता कस्तूरी और ऋषिता, तुम दोनों कमरे में फैले खून को साफ कर दो, वो इंजीनियर किसी भी वक्त आता होगा। और अपना अपना फोन मुझे दो। चंचल चलो। तुम क्या सोच रही हो ऋषिता? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हाँ ठीक तो नहीं है, पर तुम ना अभी 50 लाख रुपयों के बारे में सोचो जो तुम्हें मिलने वाले, और जल्दी चलो, इंजीनियर के आने से पहले हमें जल्दी जल्दी खून साफ करना है। चलो चलो चलो। सर सर आप हमें पक्का 50-50 लाख देंगे ना? धोखा तो नहीं देंगे ना सर? अब क्या बॉन्ड पेपर पर लिख कर दूं तुझे, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा? नहीं सर, मैं कह रहा था कि अपनी बात से मुकरिएगा मत, अगर आप मुकरे तो हमें भी आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आपने शोभा मैडम के साथ किया है। धमकी दे रहा है मुझे? नहीं सर, चेतावनी, पैसे देने से चूकेगा मत सर। पैसा पैसा, तू भी मेरी बीवी की तरह लालची ही है। हाँ सर वो तो मैं हूँ। तो अपने फोन का पासवर्ड बता तो जरा। नहीं बताऊंगा तो सर जान से मार दोगे क्या? अरे बताओ यार, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। 0000। मेरा और कस्तूरी का वीडियो बनाने के लिए तुझे शोभा से 10 लाख रुपए मिले? तो ये सब तेरा किया जा रहा है? मुझे आशुतोष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो इंसान खुद अपनी पत्नी को मार सकता है, वो हम में से किसी को भी मार सकता है। मैं कह रही हूँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम ना अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, नहीं हम यहाँ से कहीं भागेंगे और ना ही हमें कोई यहाँ मारने आएगा। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, कोर्ट रूम में हुई बेइज्जती के बाद आशुतोष खूंखार हो चुका है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। मैं कह रही हूँ यही समय है, भाग जाते हैं। चुप, भागने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, और अब अपने हिस्से के 50 लाख रुपए लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है तुम करो 50 लाख रुपए का इंतजार, मैं तो जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती, मुझे अच्छी तरह पता है तुम सीधा पुलिस स्टेशन जाओगी और हमारा सारा प्लान चौपट कर दोगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ अर्षिता, छोड़ो मुझे। इशिता!
अरे ये क्या हो गया तुम्हें? वो इशिता मुझे घायल करके भाग गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन क्यों? वो डर गई है शोभा के मारे जाने से। मैंने उसे बोला कुछ नहीं होगा, फिर भी वो नहीं मानी और भाग गई। जाने दे उसे, हम नहीं घबराएंगे, यहाँ से तिजोरी साफ करके ही जाएंगे। पर आशुतोष कहाँ है? वो आ रहा है थोड़ी देर में। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं शीता यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गई तो। हेलो सर, सर ये शोभा जी का ही घर है ना? हाँ, पर आप कौन? जी मैं रोबस्ट सेफ्स एंड लॉकर कंपनी से आया हूँ, उनकी तिजोरी का कोड रीसेट करने के लिए। हाँ हाँ आइए ना जी। शोभा जी और आशुतोष जी? वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, बस आते ही होंगे, तब तक आप चल के अपना काम कीजिए। ठीक है, तिजोरी किधर है? ऊपर वाले कमरे में। चलिए। रीसेट हो गई तिजोरी आपकी। तो फिर खोलिए ना इसे। खुल तो जाएगी, पर शोभा जी और आशुतोष जी के सामने ही पैसों का मामला है, इंतजार कर लेते हैं। तिजोरी खोल, वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? तिजोरी लूटने की कोशिश। चल अब तिजोरी खोल, चल। मैं खोल रहा हूँ। खाली? खाली कैसी? भाग गया इसका सारा पैसा? सर मैंने आपके सामने खोली, मैंने आपके सामने खोली। कहीं ऐसा तो नहीं आशुतोष ने हमारे साथ डबल गेम कर दिया, खुद सारा पैसा लेकर भाग गया और उसकी बीवी को भी हमारे हाथों ठिकाने लगवाकर उसका खून भी पचा लिया। ये रुक। सर सर मुझे बचा लीजिए सर, कि मार देंगे मुझे सर। पकड़ लो इन दोनों को। तुम चंचल और कस्तूरी हो ना? हाँ। हाँ पर हमने कुछ किया नहीं है सर। अच्छा तुमने कुछ किया नहीं? हमें आशुतोष की कार खाई में मिली, जिसमें आशुतोष और शोभा की लाश थी। वहीं पर हमें पेन कैमरा मिला, जिसमें तुम्हारे गुनाहों के सबूत हमें मिला। चंचल, तुमने ये सब किया? छी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। इन दोनों के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। कस्तूरी, तुमने चंचल के साथ मिलकर आशुतोष को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अपने प्रेम संबंधी वीडियो बनाकर चंचल के जरिए शोभा जी को भेज दिया। हमने चंचल और शोभा जी के मैसेज पढ़ लिया। ये सब बकवास है सर, हमारे खिलाफ साजिश करी है सर ये किसी ने। हम बेकसूर है सर। इसमें तुम तीनों शोभा जी की लाश को कार में डाल रहे हो। तो इसने मेरे साथ गद्दारी कर दी। इसने किसने? सर, इशिता ने। इशिता मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे, तो मैंने और इशिता ने मिलकर प्लान बनाया और इसलिए हम आशुतोष सर और शोभा मैम क्या जॉब करने लगे।
पर 6 महीने हो गए थे हमें कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला, तो एक दिन मैंने हिम्मत करके चोरी कर ली और तभी मेरे पास इशिता का कॉल आया। इशिता? हेलो इशिता, मैंने ना आशुतोष के घर पे हाथ मार लिया है। तुम जिंदगी में छोटा ही सोचोगे। क्या मतलब? अरे हमारे सामने एक सुनहरा अवसर आया है करोड़पति बनने का। करोड़पति? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है, मेरी शोभा मैडम के पास आशुतोष के घर की तिजोरी का कोड है। पर वो शोभा वो कोड से तिजोरी तभी खोलेगी जब उसको उनके तलाक में आधी जायदाद मिलेगी। तो हमें शोभा की मदद करनी है उस आशुतोष को बदचलन साबित करने में, ताकि शोभा ये केस जीत जाए। तुम एक काम करो, तुम एक लड़की का बंदोबस्त करो और उसके और आशुतोष के प्रेम संबंध का वीडियो शोभा को भेजो और उसके तुम्हें 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। और जैसे ही वो शोभा तिजोरी खोलेगी तो उसे भी सारी हम साफ कर ही देंगे। यार ये कमाल का आइडिया है। सर, मैंने तो सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही की थी, पर इशिता ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे को लगता है कि इशिता ही सारा पैसा लेके भाग गई सर तिजोरी का। आप उसे छोड़ेगा मत सर। हवलदार, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो, शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी करो। जी सर। हेलो कंट्रोल रूम। सर, हम जो तिजोरी देते हैं सर, उसके साथ हम कुछ बॉक्सेस देते हैं ज्वेलरी और पैसे रखने के लिए। उन बॉक्सेस में चिप होती है, उसे ट्रैक किया जा सकता है सर। वेरी गुड, अब इशिता बच नहीं सकती। हमें तुम्हारी रची हुई षड्यंत्र के बारे में पता चल चुका है। अब शोभा जी के मर्डर के बारे में तुम मार खा के बताना चाहती हो या बिना मार खाए? मुझे पता लग गया था, उस तिजोरी में 20 करोड़ का माल है जिसे मैं चंचल के साथ नहीं बांटना चाहती थी, इसलिए उसे फंसाने के लिए मैंने शोभा जी की जान ले ली। आशुतोष का साथ देने का झूठा नाटक किया और उनके शोभा की लाश को कार के डिक्की में डालते वक्त के फोटोज खींचे। मैंने अपने लालच के चक्कर में आशुतोष, शोभा, कस्तूरी और चंचल की बलि ले ली, पर तुम भूल गई कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। ले चलो इसे।